Hey guys, it's a trick and welcome back to my channel Chromedek. So guys, आज के इस वीडियो में बात करने वाला है टॉप 15 ऐसे YouTube चैनल के बारे में जो YouTube में कभी मॉडरेशन ऑन नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, YouTube में कभी भी मॉडरेशन ऑन नहीं होगा। सो गाइस, कौन से वो चैनल है, चैनल का लिस्ट क्या है, सारा कुछ जो मैं आज के इस वीडियो में बताऊंगा जो YouTube ऑफिशियली उसके गाइडलाइंस के थ्रू बता दिया। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा आप लोगों के लिए रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को जरूर एंड तक देखते रहिए क्योंकि ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है एक नया यूट्यूबर के लिए। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट करके आज की इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आ गए हम मेन वीडियो में। तो गाइस, 15 चैनल कौन सा है जो यूट्यूब में मोनेटाइजेशन ऑन नहीं होगा 2020 से, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बोल दूँ तो फर्स्ट चैनल यहाँ पर आता है डांसिंग चैनल, मतलब डांस पावर वीडियो, मोनेटाइजेशन स्टेटस नॉट इनेबल। गाइज़, यहाँ पर बोल दो कि कोई सॉन्ग को कवर करके अगर कोई डांस करे और डांस मतलब डांस वाली वीडियो को यूट्यूब में अपलोड करे तो वो जो चैनल है मोनेटाइजेशन ऑन नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को सवाल आता होगा कि भाई बहुत सारा डांसिंग चैनल तो है जो मोनेटाइजेशन हो रखा है, ठीक है, पहले से। तो यहाँ पर मैं वही चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ आप लोगों को। तो जो डांसिंग चैनल है वो 2020 में मोनेटाइजेशन नहीं ऑन हुआ, ठीक है। 2080 या फिर 2090, मतलब 2020 से पहले जो है मोनेटाइजेशन एलिजिबल हो गया था, ठीक है, अभी भी है, लेकिन 2020 से इन सारे चैनल मोनेटाइजेशन ऑन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट चैनल बोल दिया डांसिंग चैनल जो मोनेटाइजेशन ऑन नहीं होगा। यहाँ पर दूसरे चैनल आता है डीजे चैनल या फिर रिमिक्स म्यूजिक चैनल। अगर आप डीजे चैनल क्रिएट करता हो, मतलब डीजे चैनल आप समझ सकते हो कोई भी म्यूजिक को रिमिक्स करना है या फिर डीजे मतलब ऐड करना, ठीक है, इन सारे चैनल जो है मोनेटाइजेशन स्टेटस में नॉट इनेबल लिखा होगा, ठीक है, मतलब इनेबल नहीं होगा मोनेटाइजेशन। तो यहाँ पर 3 चैनल जो है, ठीक है, चैनल नंबर 3, यहाँ पर व्हाट्सएप स्टेटस चैनल। बहुत सारे लोगों का व्हाट्सएप स्टेटस चैनल है, ठीक है, यूट्यूब में, तो उन सारे जो चैनल है मोनेटाइजेशन ऑन नहीं होगा। यहाँ पर ज़्यादा मैं नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि आप समझ ही सकते हो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। यहाँ पर उसके बाद जो चैनल आता है गेमिंग चैनल विथ नो और मिनिमम वॉइस, गेमिंग चैनल आपका मोनेटाइजेशन ऑन नहीं होगा। भाई तू क्या कह दिया, गेमिंग चैनल मोनेटाइजेशन ऑन नहीं होगा, रुको सबर करो, ठीक है। यहाँ पर उसके बाद लिखा है मिनिमम वॉइस, मतलब गेमिंग चैनल में आपका मिनिमम एक वॉइस चाहिए, ठीक है, 5 सेकेंड, 2 सेकेंड या फिर 10 सेकेंड तक चाहिए, मतलब एक वॉइस आपका चाहिए, एक वॉइस क्लिप आपका चाहिए गेमिंग में। अगर है तो वो मोनेटाइजेशन होगा, अगर नहीं है तो वो मोनेटाइजेशन नहीं ऑन होगा, ठीक है। तो गाइस, यहाँ पर चैनल नंबर 5 में आता है क्रिएटिव कॉमन वीडियो प्री अपलोड चैनल, मतलब एक ही वीडियो को बार बार प्री अपलोड करना आपकी चैनल में। आप समझ ही सकते हो, ज़्यादा मैं नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पर मोनेटाइजेशन जो स्टेटस है यहाँ पर नॉट इनेबल, ठीक है। तो यहाँ पर चैनल नंबर 6 में आता है प्रमोशन वीडियो चैनल। आप यूट्यूब में बहुत सारे चैनल देखा होगा कि जो चैनल मतलब प्रमोट करता है कोई भी चैनल को या फिर कोई भी चीज़ को प्रमोट करता है, उन सारे चैनल जो है मोनेटाइजेशन ऑन नहीं होगा, ठीक है, 2020 से। आगे क्या होगा मुझे पता नहीं, लेकिन 2020 से अनाउंसमेंट कर दिया यूट्यूब के गाइडलाइंस के थ्रू कि 2020 में इन सारे चैनल मोनेटाइजेशन ऑन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर चैनल नंबर 7 में आता है चैनल विथ 2 or more कॉपीराइट एंड कम्युनिटी गाइडलाइन वायलेंस, मतलब अगर आपकी चैनल में 2 मतलब 2 या फिर उससे ज़्यादा कॉपीराइट स्ट्राइक या फिर कॉपीराइट या फिर मतलब कम्युनिटी गाइडलाइंस वायलेंस है तो आपका जो चैनल है वो मोनेटाइजेशन नहीं होने का, ठीक है। यहाँ पर मोनेटाइजेशन स्टेटस में लिखा है नॉट इनेबल, ठीक है, ये हो गया चैनल नंबर 7। यहाँ पर अब चैनल नंबर 8 में आता है मल्टीपल कैटेगरी वीडियो ऑन सेम चैनल एंड मिक्सिंग कॉन्टेंट। मल्टीपल कैटेगरी वीडियो मतलब आपका अगर आप सोच लो कि अगर आपका चैनल सोचो गेमिंग चैनल है या फिर टेक रिलेटिव चैनल है, तो यहाँ पर टेक रिलेटिव में आप सिर्फ टेक ही डाल सकते हो, अदर्स कोई ब्लॉग या फिर गेमिंग वीडियो नहीं डाल सकते हो। अगर डाल दो तो वो मोनेटाइजेशन ऑन नहीं होगा, मतलब एक ही चैनल में मिक्सिंग कॉन्टेंट जो है नहीं मतलब नहीं डाल सकते हो आप, अगर डाल दिया तो वो मोनेटाइजेशन ऑन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर चैनल नंबर 9 में आता है वीडियोज विथ नो ह्यूमन वॉइस यानी कंप्यूटर वॉइस। अगर आप वीडियो में आपकी खुद का वॉइस नहीं यूज़ कर रहे हो, मतलब कंप्यूटर की वॉइस या फिर अदर कोई वॉइस यूज कर रहे हो आपकी खुद की वॉइस छोड़कर, तो वो चैनल जो है मोनेटाइजेशन नहीं ऑन होगा, ठीक है। यहाँ पर मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि वीडियो सच में ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर मैं ज़्यादा बोल दिया, आप लोग समझ जाओगे अगर इस कैटेगरी के अंदर आपका कोई चैनल हो तो, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट चैनल में जाता है चैनल नंबर 10 में, यहाँ पर आता है रिपीटेड कॉन्टेंट सिमिलर वीडियो रीअपलोड चैनल। रिपीटेड कॉन्टेंट मतलब आपकी कोई चैनल में एक कंटेंट है जो आप
फिर से वो कंटेंट बना रहे हो यूट्यूब में, ठीक है, आपके चैनल में, मतलब सोचो मैं एक कंटेंट को लेकर, मतलब पबजी बैन को लेकर एक कंटेंट क्रिएट किया, ठीक है, मतलब वीडियो बनाया और दो हफ्ते बाद फिर से कोई पबजी बैन को लेकर ये वीडियो बना दिया, तो एक ही वीडियो दो मेरे चैनल में आता है, ठीक है, तो वे इन सारे जो चैनल है ये सब चैनल मोनेटाइजेशन नहीं होने का, ठीक है, मतलब सिमिलर वीडियो, एक ही टाइप का वीडियो ये आपके चैनल में बार बार रीअपलोड अगर करते हो तो वो मोनेटाइजेशन नहीं होगा। जब चैनल नंबर 11 में आता है म्यूजिक कलेक्शन सॉन्ग कलेक्शन ऑफ वेरियस आर्टिस्ट, आप एक वीडियो में ज़्यादातर म्यूजिक या फिर ज़्यादातर सॉन्ग अलग अलग आर्टिस्ट की नहीं अपलोड कर सकते, ठीक है, समझ लो आप, यहाँ पर इंग्लिश में तो लिखा है, मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि बार बार मैं बोल रहा हूँ कि ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, तो यहाँ पर मॉडिफाइड स्टेटस में है नॉट एडिटेबल, ठीक है। अब नेक्स्ट चैनल में चलता है चैनल नंबर 12 मूवी ट्रेलर मूवी वेब सीरीज अपलोड चैनल, मूवी ट्रेलर मूवी वेब सीरीज, ठीक है, यहाँ पर मैं बोल दूँ कि मूवी ट्रेलर अगर आप अपलोड करते हो आपके चैनल में या फिर मूवी या फिर वेब सीरीज का कोई भी वीडियो आप अपलोड करते हो और अगर आपकी वो चैनल मतलब वेरीफाई नहीं है, मतलब वेरीफाई मतलब क्या, ब्रांड की नहीं है, ठीक है, तो वो जो चैनल है मोनेटाइजेशन ऑन नहीं होगा। यहाँ पर आपकी सवाल होगा कि भाई टी सीरीज है, मतलब टी सीरीज है, उसके बाद गोल्ड स्माइन टेली फिल्म्स भी है और काफ़ी सारा फिल्म्स भी यहाँ पर है, ठीक है, तो उन सारे चैनल में तो उसका ट्रेलर अपलोड हो रहा है, उसके वीडियो भी अपलोड हो रहा है, उसके फिल्म भी अपलोड हो रहा है, तो यहाँ पर मैं बोल दूँ कि वो चैनल एक ब्रांड है, मतलब गोल्ड माइन टेली फिल्म्स वो एक ब्रांड है, उस ब्रांड के थ्रू वो एक मतलब एक फिल्म बना रहा है, मतलब वो खुद ब खुद क्रिएट करके खुद की ब्रांड की वीडियो बना रहा है, उसके बाद वो अपलोड कर रहा है, ठीक है। अगर आप खुद का खुद मतलब वीडियो नहीं बना रहे हो, आप खुद नई वीडियो बना रहे हो, अगर आप उस किसी का भी वीडियो कॉपी करके अपलोड करते हो तो कॉपीराइट आएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी बोल दिया कि मूवी ट्रेलर चाहिए अभी कोई, आप अगर छोटे काटे यूट्यूबर हो तो आप मूवी आई हो कि आप बना नहीं सकते, ट्रेलर भी बना नहीं सकते क्योंकि बहुत यहाँ पर पैसा वसूल होता है, ठीक है, तो इन सारे चैनल मोनेटाइजेशन ऑन नहीं होगा। नेक्स्ट चैनल में चलते हैं चैनल नंबर 30 में वीडियोज विथ नो फेस एंड नो वॉइस, अगर आपकी वीडियो में आपकी फेस प्रेजेंस नहीं है तो वो मोनेटाइजेशन ऑन नहीं होगा, या फिर आपकी वॉइस, मतलब एक वीडियो में आपकी मिनिमम वॉइस चाहिए आपकी चैनल को मोनेटाइज करने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर मोनेटाइजेशन स्टेटस दिखा रहा है नॉट एनिजेबल। चलिए नेक्स्ट चैनल की ओर चलते हैं, यहाँ पर चैनल नंबर 40 में है चैनल विथ क्लिकबेट वीडियो, आई होप कि क्लिकबेट नाम आप सुना ही होगा, क्लिकबेट क्या होता है, थंबनेल में एक देता है और कंटेंट में और एक, इन सारे जो चैनल है वो मोनेटाइजेशन ऑन नहीं होगा यूट्यूब में, ठीक है। यहाँ पर लास्ट चैनल जो आता है चैनल नंबर 15 सोशल मीडिया वीडियोस री अपलोड चैनल, कोई भी सोशल मीडिया वीडियोस, ठीक है, लाइक फेसबुक की वीडियोस, इंस्टाग्राम की वीडियोस, अगर एक ही वीडियो आपके चैनल में बार बार रिपीटेड या फिर कॉमन एक ही वीडियो बार बार आपके चैनल में अपलोड कर रहे हो, री अपलोड कर रहे हो, तो वो जो चैनल है आपका मोनेटाइजेशन ऑन नहीं, ठीक है, इन सारे चैनल मोनेटाइजेशन नहीं ऑन। मैं यहाँ पर आपको रिकमेंड करता हूँ अगर इन सारे कैटेगरी में आपका कोई चैनल है तो आप ज़रूर एक बार सोच लिया, ठीक है, जो मैं बोल दिया, आपकी वीडियो में आपकी मिनिमम आपकी वॉइस चाहिए, ठीक है, या फिर फेस रिलीजन चाहिए, और इन सारे कैटेगरी के अंदर जो है मोनेटाइजेशन ऑन नहीं होगा आपकी चैनल। अगर आपकी चैनल इन सारे कैटेगरी में पड़ते हैं, मतलब आप सोच रहे हो कि इन सारे कैटेगरी के अंदर मैं वीडियो अपलोड करूँगा, तो गाइस थोड़ा रुको, थोड़ा सोच समझ कर डिसीजन लेना, ठीक है। तो गाइस ये था कुछ चैनल जो यूट्यूब में कभी मोनेटाइजेशन ऑन नहीं होगा, तो यहाँ पर मैं तो पहले बोल दिया, अगर आपकी चैनल इन सारे कैटेगरी के अंदर पड़ते हैं तो आप ज़रूर सोच समझ के क्रिएट करेगा, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पर YouTube बोल दिया कि अगर इन सारे चैनल कैटेगरी के अंदर चैनल किसी का है तो वो अगर चैनल में मतलब उस चैनल में अगर कोई कॉपीराइट गाइडलाइंस या फिर स्ट्राइक आ जाए तो वो YouTube जो है दोषी नहीं होगा। तो मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करूँगा कि ज़रूर सोच समझ कर ही क्रिएट करना। तो गाइस आज के लिए इस वीडियो इतना ही, मिलते हैं अगली कोई और वीडियो में, इस वीडियो को अगर अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर देना, कैसा लगा कॉमेंट कर देना, अगर कोई भी इंक्वायरी या फिर कोई भी प्रॉब्लम या फिर कोई भी क्वेश्चन है मुझे कॉमेंट करके जरूर, गाइस इस वीडियो को जरूर पूरी सोशल मीडिया में फैल देना या फिर आपके फ्रेंड को भी बोल देना अगर वो एक नया यूट्यूबर मतलब या नया यूट्यूब क्रिएट करना चाहते हो तो उसके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो जरूर शेयर करें। तो गाइस चैनल में अगर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को क्लिक कर देना क्योंकि इस टाइप का वीडियो मेरे चैनल में आता रहता। तो चलिए गाइस आज के लिए इस वीडियो इतना ही, मिलते हैं अगली और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।